टॉपिक्स है आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर। सर तो पहला पिक मैं अभी भी कहूंगा रेलिगेयर है। देखिए बर्मन्स ने अपना स्टेक 25% बढ़ा दिया, एक ओपन ऑफर आएगा। रेलिगेयर एज अ ब्रांड वेंट थ्रू इट्स टमल्टस बिकॉज ऑफ द प्रमोटर और जो भी था वो सब हो गया, लेकिन एज अ ब्रांड एज अ फ्रेंचाइज फ्रॉम इंश्योरेंस टू ब्रोकिंग टू अदर एनबीएफसी एक्टिविटीज बहुत अट्रैक्टिव प्ले है। और अगर आप ये बर्मन्स आप डाबर के अंडर आता है, आई थिंक द फायर पावर विल बी इवन मोर। तो अगर आप एक स्टॉक को देख रहे हो जो यहाँ से इजिली अगले 1-1.5 साल में डबल हो सकता है वो रेलिगेयर है। 235 पे इसका ओपन ऑफर है, तो 235 आपका बाइंग प्राइस होनी चाहिए, 225 का स्टॉप लॉस, 280 का टारगेट जो इसका प्रीवियस आया है मुझे बहुत जल्दी दिखते आता है। दूसरा मेरा पिक है, जो मैंने दो टॉप पिक्स रहे हैं, नैलको और आईओसी। आईओसी ने आज ही फ्राइडे को ही नया ब्रेकआउट दिया है। मैंने डिम्पी को 90, 100, 110, 120 पे कहा, आईओसी और नैलको नो ब्रेनर्स है। अभी भी मैं सोचता हूँ आईओसी कैन स्केल 175, 151 का टारगेट रखिए। तीसरा ये जरूर कहूंगा मनीष जी, अगर आप हेज करना जानते हैं तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी में एक आध पुट जरूर लीजिए, आउट ऑफ मनी लीजिए, एट द मनी लीजिए, लेकिन थोड़ा सा सेफ गार्ड कीजिए, अगले 2 हफ्ते मार्केट के लिए थोड़े ट्रेचरस हो सकते हैं।